गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे गोरखपुर का हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पुलिस को हरी झंडी दिखाकर किया अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना। संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली, युवक घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर। नए वर्ष पर बजरंग दल के लोगों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कुलभूषण जाधव पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने फूंका पाकिस्तान सरकार का पुतला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेयर और भाजपा पार्षदों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नए वर्ष पर महानगर के सभी चर्चों में आयोजित हुआ विशेष प्रार्थना, दी बधाइयां। छह सूत्री मांगों को लेकर सत्य क्रांति पार्टी ने दिया धरना। गोरखपुर जिले के नोडल अधिकारी संजय अग्रवाल अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आएंगे गोरखपुर। 2 जनवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सदर में लगेगा वर्ष का पहला जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। बुद्धालैंड राज्य की मांग को लेकर पूर्वांचल सेना ने दिया धरना। और नए साल के पहले दिन खिली धूप, लोगों ने उत्साह के साथ किया नए वर्ष का स्वागत, मनाया उत्सव। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए योगी सरकार कटिबद्ध है। इसी के मद्देनजर पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पुलिस का गठन किया है। इसी क्रम में सोमवार को गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री ने पर्यटन पुलिस को हरी झंडी दिखाते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया और इस मौके पर साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों ही दस्तों के पर्यटन पुलिस मौजूद थी। गगहा थाना क्षेत्र के नौरहा निवासी एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। घायल अवस्था में वो अपने स्वयं चलकर घर पहुंचा, जहां से परिजनों ने उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा पहुंचाया। वहां के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया। यहां पर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे स्टेबल मानते हुए आगे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भेज दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल अनुरेश ने बताया। हेलो, हाँ भैया, पहुँच गया है यहाँ पर। यहाँ लगा था खून में टकराया है। हम एक दुकान पर बैठे थे, एक लड़के के साथ प्रसाद खा रहे थे। अरे जो दुकानदार था, मैं तो अंदर था दुकान में। एक लड़का आया, पिस्टल दिखा, ऐसे निकाल कर उठा कर कपड़ा दिखाने लगा। देखो ये पिस्टल है, पिस्टल दिखाने लगा। उसके बाद उसमें गोली निकाल के, देखो ये गोली है, उसके बाद लगा रहा था। उसके बाद लड़का कौन, परिचय था आपका? हाँ, वो गांव का ही है। वो कहाँ है, वो फरार हो गया? नहीं, फरार नहीं, वो हम लोग घर पे, मैं घर पे आया फिर लगाते हुए, पीछे से आया, पीछे से आया, बोला मैं भी साथ चलूँगा। हम लोग बाइक पे, हम हमारे मैं तो भैया तो हम पास के हॉस्पिटल में सरकारी मेरा वहाँ कहाँ आया, फिर उसमें से निकाला, देखो गोली भी है। गोली डालने के टाइम उसका गोली दब गया अनजान से। हाँ, अनजान से ही दबा। तो पिस्टल लाइसेंस था? नहीं, लाइसेंस ही नहीं। मुकदमा लिखवाया? क्या सर? मुकदमा लिखवाया, केस किया? हाँ, आपने थाने पर FIR। मरीज तो स्टेबल है, इसका दाहिने थाई में, दाहिने जांग में गोली लगी है ना। एंट्री वाउंड और एग्जैक्ट वाउंड दोनों है, लेकिन एक्सरे होने पर पता चलेगा कि गोली अंदर है कि निकल गया। तो हालत गंभीर नहीं है? नजर गंभीर नहीं है, हालत बेहोशी हालत में नहीं है। बेहोशी हालत में नहीं है, बोल बुक रहा है, होश में कम सा।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को चेतना तिराहे पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कार्यकर्ताओं का मानना है कि पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर जो लोग 1 जनवरी को नववर्ष मना रहे हैं उनका सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं है। दल का मानना है कि इस सभ्यता में युवा वर्ग के लोग की संख्या ज़्यादा है, इसलिए युवाओं को पश्चिमी संस्कृति को त्याग कर अपने धर्म पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इस अवसर पर बजरंग दल के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, महानगर संयोजक मुकुंद शुक्ला, मनोज गौड़, नगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर संयोजक देवीलाल धीरज ओझा सहित दल के कई पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए मुकुंद शुक्ला ने बताया, बजरंग दल का ये मानना है कि भारतीय संस्कृति अपनी संस्कृति है, हम किसी भी कीमत पर पाश्चात्य संस्कृति को भारत पर हावी नहीं होने देंगे। ये 1 जनवरी ईसाई नववर्ष जो है ये गुलामी का प्रतीक है, बजरंग दल इसका विरोध करता है। इसी हेतु से आज बजरंग दल ने नौजवानों जो नवा साल मना रहे हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो, इस नाते से बजरंग दल पूरे भारत में आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहा है, जिसमें गोरखपुर में भी बुद्धि शुद्धि यज्ञ चल रहा है। हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने सोमवार को शास्त्री चौराहे पर पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। पुतला दहन कर रहे मंच के सदस्यों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार कुलभूषण जाधव को हद से ज़्यादा प्रताड़ित कर रही है। पिछले दिनों कुलभूषण से मिलने गई उनकी माँ और पत्नी के साथ भी वहाँ के लोगों द्वारा जानबूझकर बदसुलूकी की गई। मंच के लोगों का कहना है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। इस अवसर पर मंच की अध्यक्ष विनीता त्रिपाठी, शांति किरण, मोहनी चित्रा, आशीष गुप्ता सहित मंच के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विनीता त्रिपाठी ने बताया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूके हैं, क्योंकि उन्होंने उनके देश में हमारे देश का एक नौजवान कैदी बन के 22 महीने से बैठा हुआ है, उसको जबरन जो है कैदी बनाया गया, उससे जबरन ये कहलवाया जा रहा है कि वो उसने कई पाकिस्तानियों की हत्या की है, जबकि ये सही नहीं है। और वो बंदा कबूल भी नहीं कर रहा है और उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि आज वो बंदा जो 35 साल का बंदा था वो आज 60 साल का दिख रहा है।
आखिर ये क्या पाकिस्तान की रणनीति है, जब पाकिस्तान का कोई हमारे हिंदुस्तान में आता है उसे इतनी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, वीआईपी तरीके से उसको रखा जाता है, हाँ के जबरदस्ती रखा गया, और उसकी पत्नी और उसकी माँ को मिलने के लिए बुलाया जाता है। 22 महीने के बाद अगर पत्नी और माँ मिलने जाती हैं, उन्हें ठीक से मिलाया भी नहीं जाता, इंटरकॉम से उनको बात कराया जाता है, एक शीशा बीच में रखा जाता है जिससे वो ठीक से बात ना करें, अपने अपने जो है मातृभाषा, अपने क्षेत्रीय भाषा में ना बात कर सकें। इवन यहाँ तक कि उनका मंगलसूत्र बिंदी, चूड़ी बिंदी और जूती तक भी रख लिया गया, निकलवा लिया गया। ये क्या है पाकिस्तान की रणनीति? हम उसी अपमान के विरुद्ध हम घोर निंदा करते हैं पाकिस्तान का, और वो बहुत निंदनीय। हमारे देश में भी अगर उनके देश का कोई बंदा आता है तो उसी तरह उन्हें भी टॉर्चर किया जाए। और कुलभूषण जाधव के लिए जो इंटरनेशनल में केस चल रहा है उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी कराया जाए और उन्हें आजाद कराए। सोमवार को गोरखनाथ परिसर में मेयर और भाजपा पार्षदों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महापौर और पार्षदों के साथ मिलकर महानगर के चौमुखी विकास पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला, क्षेत्रीय महामंत्री शिव कुमार पाठक, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित कई अन्य मौजूद रहे। नव वर्ष पर मसीही समाज के द्वारा सोमवार को लगभग महानगर के सभी चर्चों में सुबह विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें मसीही समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। इस मौके पर सेंट एंड्रयूज चर्च में भी सुबह मसीही समाज के लोगों का जमावड़ा लगा रहा, जहां लोगों ने प्रभु यीशु से नव वर्ष की मंगल कामना की प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान सेंट एंड्रयूज चर्च के फादर डीएल लाल ने उपस्थित लोगों को बुराइयों से दूर रहने के लिए और असहाय और गरीब बच्चों की सहायता करने की बात कही। प्रार्थना समाप्ति होने के बाद मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर उन्हें नव वर्ष की शुभकामना दी। स्वीकार करना है, उसके राज्य को स्वीकार करना है, अपने जीवन को उसके इच्छा के अनुसार चलाने में प्रण लेना है, और उसके लिए इन सब बातों की दो चीजों की प्रायोरिटी हमें और आपको अपने जीवन में देनी है। और तीसरी और अंतिम जो प्रायोरिटी है वो क्या है? प्रॉमिस प्रॉस्पेरिटी। तो जब मिल जाएंगे तो हमें और आपको विश्वास करना है कि हाँ, वर्ष 2018 में प्रभु की आशीषों को हम प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि हमने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया है, अपने प्रायोरिटीज को बदल दिया है, हमने धार्मिकता की खोज कर ली है, हमने परमेश्वर के राज्य की खोज कर ली है। और जब ये सब चीजें मिल जाएंगी तो ये सब चीजों में क्या क्या हो सकता है इस पे गौर करें। अनंत जीवन उद्धार तो है ही, साथ ही साथ क्या है, क्या परमेश्वर हमें और आपको भूखा रखना चाहता है, अभाव में रखना चाहता है, परेशानी में रखना चाहता है, दो बीमारी में रखना चाहता है, नहीं, क्या करना चाहता है? लिखा है पद छह, अरे अध्याय छह के मतलब अध्याय छह के 19 पद में क्या लिखा पड़ेगा? हम सब क्या तलाशते हैं इधर? हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से? धन संपन्नता और धन। उसने कहा है पहले धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारे वस्तु तुम्हें स्वयं मिल जाएंगे। लेकिन हम क्या तलाश करते हैं? हम तो धन संपन्नता, धन के पीछे भागते हैं, संपत्ति को एकत्र करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करते हैं प्रियो तो यहाँ पे वचन लिखा है 19 पद में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़े। हम उस भी बात का प्रयास करते हैं जो नाशवान वस्तु है। धन की आवश्यकता है इस संसार में निवास करने के लिए, इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धन संपदा की आवश्यकता है। ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता और ऐसा नहीं चाहता। उसने अपने लोगों को इतना अधिक धन दे रखा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आपने कोलगेट का नाम सुना है ना? वो पहले जब उनकी कमाई $1,00,000 होती थी तो वो $10,000 जो थे वो प्रभु के कार्य में 10% समर्पित करते थे।
अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सत्य क्रांति पार्टी ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा सिंह चौहान ने किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसको रोकने के लिए 1 जनवरी को भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस घोषित किया जाए और संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आज के दिन ये संकल्प लें कि न तो भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही इसे होने देंगे। धरने में प्रदेश के महासचिव बलवंत दिवाकर, पिपराइच के महिला जिला अध्यक्ष ममता सिंह पटेल, शहर विधानसभा अध्यक्ष उमेश सोनी, नगर अध्यक्ष अनिल गौड़, सेक्टर अध्यक्ष मोहम्मद अरशद, रीता सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा सिंह चौहान ने बताया, अगले हफ्ते के गरीब सत्य क्रांति पार्टी का अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो जहां तक मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार है। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस की मैं मांग करता हूं और हम लोग भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस मनाते भी हैं। आज हम यहां उपस्थित हुए हैं बस एक आरंभ एक उद्गम करने के लिए कि लोगों की मानसिकता पे जरा सा असर पड़ जाए। अगर इस देश में हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदा सिंह चौहान जी का कहना है कि अगर इस देश में स्वस्थ रहने के लिए योग दिवस मनाया जा सकता है, पर्यावरण दिवस मनाया जा सकता है, तमाम दिवस की मान्यताएं दी जाती हैं, लेकिन अगर इस देश में स्वस्थ रहने के लिए योग दिवस मनाया जा सकता है तो भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए भ्रष्टाचार मुक्ति दिवस मनाना अति अनिवार्य है। दिवस मनाया जाए, महिला आरक्षण बिल पास किया जाए, राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाया जाए, 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के सांसद विधायक मंत्रियों के जमा निकासी धनराशि को सार्वजनिक किया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित की जाए, चौहान समाज की जाति आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर नहीं, एक सूचना है। आगामी 2 जनवरी को जनपद के नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल आ रहे हैं। वे सायं 6 बजे आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करने के बाद रात्रि में शीतकालीन के दृष्टि से बनाए गए रैन बसेरों अलाव का भौतिक सत्यापन करेंगे। रात्रि विश्राम के उपरांत वे 3 जनवरी को गाँव का भ्रमण, धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण करने के उपरांत अपराह्न 3:30 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। नए साल का पहला जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस 2 जनवरी को तहसील सदर में होगा। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजीव रौतेरा द्वारा की जाएगी। ये जानकारी ADM प्रशासन प्रभुनाथ ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे और अन्य तहसीलों में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन होता रहेगा। बुद्धालैंड के नाम से अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग को लेकर पूर्वांचल सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया। उनके मांग से संबंधित ज्ञापन को प्रशासनिक अधिकारी ने लिया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया,
इनकी जो मांग है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र बुद्धा लैंड के नाम से जो है जी अलग राज्य बनाया जाए, इन लोगों का जो मांग पत्र है उसको हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को तत्काल जो है अग्रसारित कर देंगे। शासन जो निर्णय लेना चाहे उसका ये लोग इंतजार। आज के दिन देश भर में नौ वर्ष का उत्सव मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को अपने तरीके से बधाइयां देकर इस उत्सव का लुत्फ उठा रहे हैं। इस अवसर पर कोई एक दूसरे को फूल और बुके भेंट कर रहा है तो कोई दूर दराज रिश्तेदारों और मित्रों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइटों के माध्यम से बधाइयां दे रहा है। नौ वर्ष पर आज महानगर के पार्क भी गुलजार दिखे। लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ नौ वर्ष का उत्साह मनाते हुए नजर आए। नए साल पर कई वर्षों बाद धूप निकलने से लोगों और बच्चों के चेहरे भी खिले हुए। इस दौरान बच्चों ने पार्कों में जमकर मस्ती भी की। चलते जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पुलिस को हरी झंडी दिखाकर किया अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना। संदिग्ध परिस्थितियों में चली गोली, युवक घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर। नए वर्ष पर बजरंग दल के लोगों ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कुलभूषण जाधव पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू जागरण मंच ने फूंका पाकिस्तान सरकार का पुतला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेयर और भाजपा पार्षदों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नए वर्ष पर महानगर के सभी चर्चों में आयोजित हुआ विशेष प्रार्थना, दी बधाइयां। छह सूत्री मांगों को लेकर सत्य क्रांति पार्टी ने दिया धरना। गोरखपुर जिले के नोडल अधिकारी संजय अग्रवाल अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आएंगे गोरखपुर। 2 जनवरी को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सदर में लगेगा वर्ष का पहला जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस।
बुद्धालैंड राज्य की मांग को लेकर पूर्वांचल सेना ने दिया धरना और नए साल के पहले दिन खिली धूप, लोगों ने उत्साह के साथ किया नए वर्ष का स्वागत, मनाया उत्सव। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।